साथियों नमस्कार। अभी यहाँ पर गांधी पार्क से जो गिरफ्तारियां हुई है, ये देख सकते हैं कि किस कदर कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे जैकेट फाड़ दिए गए, हमारी बेल्टें तोड़ दी गई, हमारे जूते फेंक दिए गए। ये उत्तराखंड के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपके खून में है उबाल, अगर है आपको अपने भविष्य की चिंता, हमारी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, अगर हम कल तक छूट के आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ पाते नेतृत्व हर युवा को करना होगा। नेतृत्व संभालिए, कल देहरादून को जाम कर दीजिए, जो जहां है उस शहर को जाम कर दीजिए, मेरा संदेश है आप लोगों से। ये देखिए क्या हालत करी है, बेल्ट तोड़ दी है, जूते नहीं है, जूते इन्होंने फेंक दिए हैं। हर युवा के अंदर नेतृत्व क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। हम रहे ना रहे, हम जेल में रहे या बाहर रहे, अगर हम छूट के भी नहीं आते हैं, आप लोगों को कल मोर्चा संभालना होगा। हमारी बेरोजगार संघ की और जो कोर टीम है, जो उसके पदाधिकारी है, वो मोर्चा संभाले, परंतु कल हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर शहर में इस सरकार को दिखा दीजिए कि इन्होंने बेरोजगारों के साथ लाठीचार्ज करके, बेरोजगारों के साथ हाथापाई करके, क्या इन्होंने जब गांधीवादी तरीके से आंदोलन में बैठे हुए थे, पुलिस वालों ने बर्बरता से लाठीचार्ज करी, माँ बहन की गालियां दिए गए, महिलाओं के साथ अभद्रता करी, जबकि हमारी क्या मांग थी कि नकल माफिया को गिरफ्तार करो और नकल रोधी कानून लाओ, परंतु इस सरकार तानाशाही सरकार ने पुलिस को ऐसे निर्देश दिए कि पुलिस ने ऐसी बर्बरता की। सरकार हामी जी जो सत्ता के नशे में चूर है, उनको बताना चाहूंगा, सिर्फ आपके एक सिग्नेचर से ये हो सकता था कि पहले जांच फिर परीक्षा, परंतु आप बर्बरता पर उतर आए हैं, आपको सबक सिखाया जाएगा। ये युवाओं ने पढ़ ले लिया है, आप ध्यान रहे, ये वो युवा है जिस युवा ने, उत्तराखंड के युवा ने 42 शहादतें उत्तराखंड बनाने के दी थी, अब शहादतें उत्तराखंड बचाने के लिए देनी पड़ी, हम देंगे, हम खड़े हैं प्रथम लाइन की पंक्ति में। परंतु कल मेरा तमाम सामाजिक संगठनों से, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से, तमाम युवा छात्रों से, तमाम बेरोजगारों से ये निवेदन है कि कल आप लोग देहरादून को जाम करिए, अगर हम छूट के आते हैं, हमारी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो हम भी आएंगे, नहीं तो आप लोगों को कल मोर्चा संभालना होगा। हम बहुत जल्द छूट कर आएंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा कर रहेंगे। साथियों ज्यादा समय में नहीं दे पाऊंगा, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड, खून में उबाल लाइए अपना, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड।